तो दोस्तों इस तरह का इंट्रो अगर आप भी बनाने के लिए सोच रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसानी से आप अपने फ़ोन से इस तरह का इंट्रो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम रवि और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल TechRS1 पे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह का इंट्रो कैसे बना सकते हैं अपने फ़ोन से। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको काइन मास्टर ऐप एप्लीकेशन से पहले आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, आपको आसानी से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो फ्रेंड्स पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिख जाएगा। तो आपको दोस्तों देखिए यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पर आना है। दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको देखिए कलर का ऑप्शन दिख रहा है, आपको चलिए यहाँ पे कलर पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कलर पे आने के बाद आपको चलिए दोस्तों बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं। चलिए दोस्तों हम कलर पे आते हैं। तो कलर पे आने के बाद यहाँ से आपको ब्लैक कर देना है। तो फ्रेंड्स ब्लैक करने के बाद यहाँ से आपको सही कर देना है। तो दोस्तों मेरा बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। तो आपको देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, न्यू टेक्स्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ आपको देखिए न्यू टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख देना है। चलिए फ्रेंड्स हम अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स हम अपने YouTube चैनल का नाम लिखने के बाद यहां से आपको ओके कर देना है। सो दोस्तों ओके करने के बाद आपको चलिए दोस्तों यहां पे बड़ा छोटा साइज में यहां से कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स यहां से इसका इस साइज में करने के बाद आपको चलिए फिर आपको आना है ए वाले ऑप्शन पे। आने के बाद फिर आपको देखिए दोस्तों यहाँ पर फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर फॉन्ट पर जाना है। तो फ्रेंड्स फॉन्ट पर आने के बाद आपको चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारा बोल्ड मिल जाएगा आपको, जिस भी मैं साइज में करना चाहता हूँ उस साइज में आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम यहाँ से करने के बाद यहाँ से आपको ओके कर देते हैं। तो दोस्तों फॉन्ट चेंज होने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर फिर आना है। इस वाले ऑप्शन पर आने के बाद आपको देखिए ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिख रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सो दोस्तों यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका काम हो चुका है। तो आपको सिंपली यहाँ से देखिए सेव का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद सेव एस इमेज में जाना है और यहाँ से आपको सेव टू गैलरी कर देना है। तो फ्रेंड्स मेरा इमेज सेव हो चुका है, अब आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन पे। तो फ्रेंड्स आपको काइन मास्टर ऐप एप्लीकेशन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिख जाएगा। तो आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करना है। तो दोस्तों क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको स्लो फॉर 9 करके यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे तो आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। सो दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपको चलिए इमेज पे जाना है। इमेज पे जाने के बाद आपको चलिए दोस्तों हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, फिर आपको यहाँ से कट कर देते हैं। तो दोस्तों ब्लैक कलर लेने के बाद आपको फिर लेयर पे जाना है, और लेयर पे जाने के बाद आपको मीडिया पे जाना है। तो दोस्तों मीडिया पे जाने के बाद चलिए दोस्तों हम एक फाइल लेते हैं, ये फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। देख सकते हो दोस्तों ये फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो फ्रेंड डाउनलोड करने के बाद आपको इसी तरह से बना लेना है। चलिए दोस्तों जहाँ से मेरा देखिए शेयर ख़त्म हो रहा है वहाँ से हम अपना चैनल का नाम डालेंगे। चलो दोस्तों फिर आपको लेयर पे जाना है, और लेयर पे जाने के बाद आपको जो फिर मीडिया पे जाना है। सो दोस्तों आपको जो पिक्सल लैब से बनाए थे अपने यूट्यूब चैनल नाम उसको हम यहाँ पे डालेंगे। चलो दोस्तों पिक्सल लैब जाते हैं, फिर हम वही वाला फोटो को ले लेते हैं, फिर आपको यहाँ से डाल देना है। आप इसको बड़ा छोटा कर देते हैं, फिर आपको यहाँ से सही कर देना है। सो दोस्तों सही करने से पहले आपको ये देखिए इन एनिमेशन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इन एनिमेशन पे आना है, आपको यहाँ से पॉप कर देना है। सो दोस्तों कुछ इस तरह से हो जाएगा, फिर आपको यहाँ से सही कर देना है। तो दोस्तों फिर होने के बाद आपको क्या करना है, फिर आपको लेयर पे जाना है। सो दोस्तों लेयर पे जाने के बाद आपको मीडिया पर जाना है, फिर आपको इमेज पर जाना है। इमेज पर जाने के बाद चलिए दोस्तों हम यहाँ पर वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेते हैं, फिर इसको कुछ इस तरह से बड़ा कर देते हैं स्क्रॉल करके। तो दोस्तों बड़ा करने के बाद अगर साथ इसको कलर चेंज करना है दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिख रहा है कैंची के बगल में, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम कोई सा भी कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लेते हम ले लेते हैं, फिर आपको यहाँ से सही कर देना है। फ्रेंड्स सही करने के बाद आपको देखिए नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए दोस्तों ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, आपको ब्लेंडिंग पर जाना है, आपको यहाँ से ओवरले कर देना है। तो दोस्तों ओवरले क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से सही कर देना है। तब देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से मेरा इंट्रो बन के तैयार हो चुका है। देखिए दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से इंट्रो बन चुका है। तो दोस्तों इधर का जितना भी पार्ट है यहाँ सब कट कर देते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ से जितना भी बाकी पार्ट है यहाँ सबको ट्रिम टू राइट
करके यहाँ से कट कर देते हैं। चलिए तो दोस्तों कट करने के बाद आपको दोस्तों कट करने के बाद देखिए दोस्तों इंट्रो मेरा बन के हो गया तैयार। आपको भी इसी तरह से कर लेना है। फिर आपको यहाँ से देखिए सेव का ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपको सेव पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कम एम बी जितना हाई क्वालिटी में रोबर्ट करके आप यहाँ से सेव कर लेना है दोस्तों। सो दोस्तों आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आई हो। तो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब से रिलेटेड और इसी तरह से टिप्स एंड ट्रिक हम लाते रहते हैं आप सबके लिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।